अब सर आते हैं दो सीटों पर चमकौर साहिब से आप लड़ी रहे थे मालवा में आप भदौर जाने की क्या जरूरत है वहां वाले कह रहे हैं कि अब हम जिता भी देंगे अगर सीएम साहब चले जाएंगे फिर बाईपोल होगा इसकी क्या इसका क्या क्यों इसके पीछे वजह क्या है क्या डर था कुछ इन, इनको पता है कि इनको लगता था कि हम मालवा में बड़े तगड़े हैं मैं गया हूँ सब सीटों पर लाले पड़ गए हैं भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं क्योंकि सी खुद मानना चाहते हैं और उसको हराएंगे ये वहाँ का बच्चा बच्चा कह रहा है आम आदमी वाला कि हमारे को मैसेज आ गया कि भगवंत मान को जीतने नहीं देना है सीएम हम बनेंगे ये कौन होता है इसको तो सी सीएम बनना चाहता इसको है इसको तो चेहरा रखा हुआ है आगे ये जो दिल्ली वाले हैं दिल्ली वाले चाहते हैं कि लूट ले जाए पंजाब को कहाँ से जाने देंगे हमारा पंजाब है की पत्नी को भी घर आप कह रहे हैं सुनीता को वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं नहीं नहीं वो उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे अगर करना होगा इस लड़के को कर देंगे अच्छा है या वो खुद आएगा वो खुद आएगा ये नहीं आएंगे चलो अब ये तो पता क्या तकरार में नहीं पढ़ना है हाँ। ये भी हमारे प्यारे हैं आप इनसे अलग बात कर लेना ये रिश्ता क्या, 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 क्या कहलाता है मुझे समझ नहीं आ रहा नहीं नहीं, 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 नहीं बहुत ही सत्कार योग है मुझसे थोड़े से खफा है जिस दिन से मैं इनके हल्के में गया था जिंदापुर पिंड में जी। एक इलीगल माइनिंग के के खट को एक्सपोज करने लिए तो सवाल से थोड़ा सा राघव थैंक यू आ, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी आ, राहुल गांधी को लेकर सीट वाले पर वापस आते हैं सर एक बार क्योंकि एक से मोहब्बत हो तो ठीक है दो से करेंगे दो सीटों पर तो फिर किसी से तो धोखा आप करेंगे ना तो जनता ये पूछेगी कि रहेंगे किसी से धोखा नहीं करूंगा आने वाला समय बता देगा क्या होना है दोनों से प्यार करूंगा दोनों के बीच रहूंगा ये तरीका मुझे आता है और करूंगा राहुल गांधी क्या उनके प्रचार को लेकर एक खबर बीच में आई जब वो यहाँ पर प्रचार के लिए आए तो चाहे मनीष तिवारी हो वो वहां पर नहीं पहुंचे थे आपके तीन सांसद परनीत कौर जो कि कैप्टन की पत्नी अभी भी कांग्रेस पार्टी में है डिम्पा साहब नहीं पहुंचे थे क्या वो ऐसे सेनापति उस वक्त नहीं दिखाई दे रहे थे जिनकी सेना ही गायब थी पंजाब देखो राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है उसने पंजाब में युग का परिवर्तन किया है महाराजे के घर से गाड़ी ले आकर गरीबों के घर गर को शुरू चलने शुरू हो गई है और पंजाब में गरीब और मिडिल क्लास आम किसान का राज स्थापित होने जा रहा है बहुत सारे लोगों को इसकी तकलीफ है लेकिन पंजाब में जो ये क्रांति आई है इसको कोई रोक नहीं पाएगा ये क्रांति तूफान की तरह आगे बढ़ रही है और जितने ये बाहर के लोग हैं इसमें समा जाएंगे सारे ये जो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आवाज आते हैं प्रधानमंत्री ने सिख दंगों को एक बार फिर से यहाँ पर उठाया है और कैप्टन अमरिंदर ये कसम खा रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को पंजाब से मिटा दूंगा कितना दम उस पर उसने पहले भी गुरु ग्रंथ साहब की कसमें खाई थी कहाँ गई और सिखों के दंगे इलेक्शन में याद आते हैं बीजेपी को बीजेपी दस साल से राज कर रही है दिल्ली में उनका राज है और ये केजरीवाल का है वहाँ जो दंगे हुए थे उनको सजा देकर अंदर क्यों नहीं करते यहाँ आकर बातें करते हैं क्यों नहीं पकड़ के आज तक अंदर करके उनको फांसी में डाल दिया पहले तो चलो कभी कांग्रेस का राज रहा होगा नहीं हुआ मैं मान आपकी मान लेता हूँ इनकी मान लेता हूँ अब इनको कौन रोक रहा है फांसी क्यों नहीं लगाते उनको अकाली दल दस साल उनके साथ रहा है बीजेपी के क्यों नहीं लगाई फांसी जिन्होंने दंगे कराए क्या कर रहे हैं ये लोग आज इलेक्शन में आकर हमारी भावनाएं भड़काकर हमें एक दूसरे से लड़ाएंगे हिंदू सिख का झगड़ा यहाँ डालेंगे पंजाब में एकता और अखंडता है इसको किसी तरह भी हम हिलने नहीं देंगे हम हिंदू हम सिख हम मुस्लिम हम ईसाई सब सबका पंजाब है इकट्ठे होकर रहेंगे ये जो बाहर से आकर हमें लड़ाना चाहती हैं मरवाना चाहते हैं आपने ये नहीं होगा मैंने हाथ जोड़कर अमित शाह जी से बोला था जो मर्जी हो जाए एक काम करना मुख्यमंत्री कोई बन जाए पार्टी कोई आ जाए लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं होनी चाहिए आज फिर सिखों के दंगे की बात कर रहे हैं कौन रोकता है इनको देना उनको फांसी जो जो इसमें आगे आए हैं क्यों नहीं देते यहां आकर बातें करनी अच्छी लगती है स्टेज पे वहां वहाँ होम मिनिस्टर ये है प्राइम मिनिस्टर ये है कार्रवाई करें उन पर लेकिन जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को तो अभी भी कांग्रेस अरे फांसी लगा दो ना उसको क्यों नहीं लगाते ये लोग राज किसके पास है सरकार किसके पास है होम मिनिस्टर कौन है प्राइम मिनिस्टर कौन है मारो उनको जिन्होंने सिखों को मारा है या हमें मौका दो हम मारेंगे